कैसा है खाना? टेस्टी है। कहाँ से आए हो आप? बिहार से। बिहार से? कहाँ से? बिहार में सासाराम। अच्छा लगा खाना? जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों जब आप राम मंदिर में एंट्री मारते हो तो उसके आपको राइट हैंड साइड पे आपको एक और एक अमावा राम मंदिर देखने को मिलेगा, जो कि पटना के महावीर मंदिर का ट्रस्ट है। तो वहाँ पे आपको 365 दिन खाना मिलता है, भंडारा चलते रहता है। तो उसका प्रोसीजर क्या है मैं आपको चलिए वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ। पहले तो आप देख सकते हो मेरे सामने अमावा राम मंदिर है और ये भीड़ लगी पड़ी है भोजन के लिए। जो भंडारा यहाँ पे चलता है उसका टाइमिंग भी है 11 से लेके 3 बजे तक, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। इस तरफ आप देखोगे यहाँ से राम मंदिर का रास्ता है और यही रास्ता अमावा राम मंदिर को आता है। तो यहाँ पे आपको ना इस तरह का पर्ची काउंटर है, रसोई पर्ची काउंटर। ये देखिए ये भाई साहब के पास है, मैं दिखा दूँ आपको। ये पर्ची लेना है वहाँ से, पर्ची इस तरह से आपको नाम भरना है, अपना एड्रेस देना है, आधार कार्ड नंबर देना है। फिर ये पर्ची को वहाँ ले जाके जमा करना है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो काउंटर है, ये काउंटर पे आप ये पर्ची ले जाओगे। पर्ची ले जाने के बाद वहाँ पे ये जमा करना है आपको। जमा करने के बाद आपको सर कुछ स्टैम्प करेंगे, स्टैम्प करने के बाद वो आपको देंगे। दोस्तों जब ये पर्ची वहाँ पे आपको कुछ टाइम करके मिल जाता है तो उसको ये पर्ची को आपको सामने अमावा राम मंदिर पे ले जाना है। वहीं पे आपको गेट पे ये पर्ची लेने के लिए आदमी खड़ा हुआ मिलेगा आपको। तो वहाँ पे आपको ये पर्ची जमा करना है। गेट पे ही आपको अपना चप्पल उतार देना है, फिर गेट पे ये भाई मिलेंगे, उनको पर्ची दीजिए, वो पर्ची चेक करेंगे। चेक करने के बाद वो अंदर जाने का परमिशन आपको देंगे। जैसे ही आप अंदर पहुंचोगे तो आपको मंदिर का बहुत बड़ा आंगन देखने को मिलेगा। वहाँ पे कम से कम 500 आदमी बैठने का जगह है। अब देख जैसे कि रोज़ाना यहाँ 11 बजे भंडारा शुरू हो जाता है तो लोग यहाँ पे 10 बजे से ही आके लाइन में खड़े हो जाते हैं। और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अयोध्या का बेहतरीन भंडारा चलता है। और आप सामने देख सकते हो दुर्गा माता का मंदिर है वहाँ पे। गाइस अभी हम लोग भी बैठ चुके हैं ज़मीन पे भंडारा का आनंद उठाने के लिए। और आपको बताना चाहूँगा ये पटना के महावीर मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा चलाया जा रहा है। 365 दिन यहाँ पे डेली भंडारा चलता है 11 से 3 बजे तक। यहाँ पे 30 से 40 व्यक्ति हमेशा उपलब्ध रहते हैं आप लोगों की सेवा के लिए। गाइस आप देख सकते हो हमारा थाली भी आ चुका है, अभी थोड़ी देर में हम भी अपना खाना शुरू कर देंगे। और बताना चाहूँगा इन लोगों का इतना फास्ट सर्विस है कि उसका कोई बात ही नहीं। आप देख सकते हो ये ट्रॉली के ज़रिए यहाँ पे लाते सर्व करते हैं इस तरह से। अब सब दाल दिए हैं, ये पूड़ी आ गया है, हमको दे दीजिए दो चार पूड़ी ले लिए, कचौरी ले लिए, खाएंगे दबा के एकदम मस्त में। और टेंशन नहीं है, बिंदास जा खाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है, सब महावीर ट्रस्ट के द्वारा है। देखो हमारे जल भी आ गया, पानी, भाई साहब पानी दे रहे हैं। क्या है देखो, घी मिल रहा है, वाह, शुद्ध घी। मीठा चटनी, मीठा थोड़ा सा दीजिएगा, मीठा चटनी। दोस्तों आप देख सकते हो चावल भी ट्रॉली के जरिए चल रहा है, उन्होंने चावल दे दिए। और खाना पापड़ भी आ गए। दोस्तों आप देख सकते हो मेरा थाली लग चुका है यहाँ पे। यहाँ पे दो किस्म का सब्जी है, राइस है, दाल है, दाल में शुद्ध घी है, पापड़ है और मीठा चटनी। दोस्तों एक और एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो खाना बनता है वो बिना प्याज और लहसुन का होता है। दोस्तों हमारा तो भोजन करके हो गया और हमने पेट भर के भोजन किया, क्योंकि खाना सही में बहुत ही स्वादिष्ट था। और यहाँ पे भी लोग दूर दूर से आए हैं, चलिए उनसे पूछते हैं उन्हें ये खाना कैसा लगा। यहाँ पे सब खा रहे हैं। कैसा है खाना? टेस्टी है। कहाँ से आए हो आप? बिहार से। कहाँ से? बिहार में सासाराम। अच्छा लगा खाना आपको? कैसा लगा? अच्छा, जोर से बोलिए। अच्छा था अंकल। अच्छा था, यहाँ पे अच्छा है। जय श्री राम। श्री राम चंद्र कृपाल बजो मन हरण भव भय दारुण। आपको मंदिर के अंदर दुर्गा माता मंदिर भी देखने को मिल जाएगा। दुर्गा जी का मंदिर है ये, आप देख सकते हो। दोस्तों एक बार आपको मंदिर का मैं परिसर दिखा देता हूँ पूरा, कितना बड़ा कंपाउंड है।
और अभी आप देख सकते हो सिकर का भी काम चल रहा है यहाँ पे, जोरों शोरों से काम चल रहा है। भक्तों का भीड़ बढ़ती जा रहा है, समय हो रहा है बंद होने का, समय हो रहा है 3 बजे बंद हो जाता है। वैसे जो अंदर है वो तो खाएंगे खाएंगे, प्लस बाद में 3 बजे का कोई एंट्री नहीं होता है। दोस्तों जैसे ही मैं मंदिर से खाना खा के भंडारा खा के निकल रहा था बाहर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी अभी पूरा भीड़ लगा पड़ा है अंदर आने के लिए, और भक्त आते ही जा रहे आते ही जा रहे, और हाय हाय कर रहे, हेलो कर रहे, जय श्री राम। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप कभी भी अयोध्या राम मंदिर आए तो अमावा राम मंदिर में आना मत भूलिएगा। 11 से 3 बजे का भंडारा चलता है, एक बार ये भंडारा में बैठ के भंडारा का स्वाद लेके देखिएगा, आपको आनंद आ जाएगा। अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और इस तरह का वीडियो देखना है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों मुझे फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।